कान में, जैन समाज के कान में, सरकार के द्वारा तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का हो रहा है विरोध, लोगों ने निकाला मौन जुलूस। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में समेत शिखर क्षेत्र को सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। जैन समाज का कहना है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का समस्त जैन समाज विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि सम्मेलन शिखर के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे। इस आशय की बात ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वन मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को पहुंचाई गई। आंदोलनकारियों के द्वारा सीधे शब्दों में कहा गया कि सरकार हमारी बातों को मान ले, जैन समाज अहिंसक है किंतु कायर नहीं है, इस बात को भी सरकार बेहतर ढंग से समझ ले। केंद्र एवं झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में रविवार को जैन समाज ने पठारी तहसीलदार अभिषेक पांडे व थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंघई, राजेंद्र सिंघई सहित हजारों की तादाद में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। जैन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके जैन मंदिर से दोपहर मौन जुलूस निकाला, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के विरोध में लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। यह यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, बड़ी माता मंदिर होते हुए पुलिस थाने और तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपा गया, किस कारण सौंपा गया है? झारखंड सरकार ने काला कानून निकाला है और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, जो जैनों का एकमात्र तीर्थ क्षेत्र है, उसको उन्होंने वहाँ पे पर्यटन स्थित क्षेत्र घोषित किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे और वहाँ उसे पवित्र क्षेत्र के नाम से घोषित किया जाए और वहाँ से सारी अधिकार जैन समाज को दिए जाए। आप सरकार से क्या चाहती है? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि इसे एक पावन तीर्थ क्षेत्र के नाम से घोषित किया जाए, पर्यटन क्षेत्र नाम घोषित किया जाए, जिससे वहाँ की पवित्रता हमेशा बनी रहे। सौंपा गया है, किस कारण सौंपा गया है? ये ज्ञापन हमारे जैन समाज द्वारा, जो हमारा 66 तीर्थ क्षेत्र शिखर है झारखंड में, वहाँ की सरकार ने इसको पर्यटक स्थल घोषित किया है, इसके विरोध में सौंपा गया है। समुदाय का जो तीर्थ क्षेत्र था, जिस तरह से आदमी को अपने रोम रोम से प्यार होता है, उस तरह हम सभी जैनियों को वो शिखर जी के कण कण से प्रेम है। जितना आदमी के शरीर में रोम कीमती है, उससे कहीं ज्यादा शिखर जी का कण कण हमारे लिए जरूरी है और पूजनीय है। तो हम सभी अपनी आस्था से पूछते हैं, सभी जैन वहाँ जाते हैं, वो हमारा तीर्थ स्थल है, जिसको झारखंड सरकार नीतीश कुमार ने और केंद्रीय परिवहन विभाग ने, वन विभाग ने जो पर्यटन स्थल के लिए बोला है, तो वो हम कैसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और उसको जैसा था हमारा वैसा ही हमें घोषित किया जाए और जैनियों के लिए संपूर्ण अधिकार के साथ उसको सौंपा जाए, जिससे कि आगे ऐसी कोई व्यवस्था न रहे जिसके लिए हमें फिर से आंदोलन करना पड़े, या हमें सरकार के विरोध में या शासन प्रशासन के विरोध में बोलना पड़े और उनके सामने हमें आना पड़े। इसलिए विशेष ध्यान रखें और जैनियों की आस्था, किसी देश के जैनी है और जैन धर्म है, यहाँ 2400 की संख्या पैदा हुए हैं, 24 में से 20 की संख्या भगवानों की हमारी को जन्मभूमि है, बता रहे हैं, और कई मुनिवाद से मुक्त रहे हैं। इसलिए वो उस शिखर जी की धरती का कणकण हम सभी जैनियों के लिए पूज्य, और हम पूछते हैं, ऐसा भी नहीं पूछते, हम पूछते हैं, मानते हैं, सभी जैन वहाँ जाते हैं और बच्चे हमारे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।